तो वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मंत्री बनने के बाद प्रदेश में कई जगह दौरे कर रहे। इस दौरान उन्होंने सोनीपत, करनाल और फिर पानीपत जनता के बीच पहुंचकर उनसे मुलाकात की, जहां उत्साहित कार्यकर्ताओं ने मंत्री मनोहर लाल का नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस बीच मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि जिस जिस गांव में जो कमी रह गई थी उसको ठीक कराना है, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भी दम भरा। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल, सोनीपत, पानीपत की, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत हुआ और उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द काम पूरे होंगे, समाधान होगा और विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया। मैं तो यही कहूंगा कि भले ही लोकसभा में परिणाम हमारा मिला जुला रहा, 5 हम जीत पाए, 5 नहीं जीत पाए, लेकिन अब चूंकि अगले 3 महीने बाद फिर से लोकसभा का जैसे विधानसभा का जैसे चुनाव आ रहा है, तो विधानसभा के चुनाव के समय हमने जो अभी कमी रह गई है, जहां भी रह गई है, किसी भी प्रकार से रह गई है, उसको हमने ठीक करना है। लेकिन अब जो मोदी जी तीसरी बार आए हैं, आज के समय में और भाषण के समय में बहुत बड़ा अंतर यह है कि आज विपक्ष तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, आज जनता भी वोट से सरकार बदलती है, ये जनता को विश्वास अब हुआ है, पहले नहीं होता था। पहले तो लोग सोचते थे कांग्रेस माने सरकार, सरकार माने कांग्रेस। के बाद जो मिले हैं उन विभागों के माध्यम से भी हरियाणा के सारे काम कराए जाएंगे, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ कि हमारे जितने नेशनल हाईवेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जितने शिक्षा संस्थान हैं, हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, हमारी हर तरह की चिंता वो कर रहे हैं। हमारे गरीब समाज के लिए भी उन्होंने अब जैसे मकान 3 करोड़ नए मकान देने का फैसला पहली कैबिनेट मीटिंग में कर लिया है, उसमें भी हरियाणा का हिस्सा जितना ज्यादा ज्यादा होगा वो हम लेकर के यहाँ के गरीब समाज को और मकान जो दिलाने की बात करेंगे।